और वहीं उत्तराखंड में चल रहे 425 मदरसों में से 192 मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, तो वहीं बाकी मदरसों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने वक्फ बोर्ड और इसी के साथ ही उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड और मदरसों में चली आ रही तमाम अनियमितताओं को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। इस मौके पर मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं, लेकिन ये मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, नहीं तो इनको बंद करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद अगले चरण में बाकी मदरसों को भी इस संबंध में शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि प्रदेश में 425 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसे ऐसे हैं जिनको उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से धनराशि निर्गत हो रही, और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि उन मदरसों को कक्षा 5 तक की शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है। और यदि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे 5 तक पढ़ेंगे, अगर शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं होगी तो वो बच्चे का जीवन कक्षा 6 में कहाँ रहेगा? कौन उसको सरकारी विद्यालय बिन टीसी की उसको कौन एडमिशन देगा? अगर उसको कक्षा 6 में एडमिशन नहीं देना है तो मदरसे में शिक्षा देकर बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं करना है। मैंने अल्पसंख्यकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, और जिन मदरसों को भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार धनराशि दे रही है वो अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग से मान्यता लें। जो मान्यता नहीं लेगा, जो हमारी शर्तों पर काम नहीं करेगा, उनको बंद करने का काम भी करेंगे और उसको सरकारी सहायता जो मिल रही है उसको भी बंद करने का काम करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।